कौन है वो कंपनी जिसके मजदूर सुरंग में फंसे तो मोदी ने भिजवाए एयरफोर्स के विमान। 288 घंटे से जारी है रेस्क्यू। अमेरिका से आई मशीन, पीएमओ से भेजी गई अधिकारियों की टीम। उत्तराखंड में फंसे मजदूर तो खुद पहुंच गए गडकरी। दिवाली की छुट्टी रद्द कर लौटे डीएम, मोदी ने भेजे अपने मंत्री। क्या पहाड़ों पर बंद करवा देनी चाहिए, अब खुदाई। कहते हैं कि प्रकृति जब संकेत दे तो सावधान हो जाना चाहिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते 12 दिनों से जो चल रहा है वो प्रकृति की ओर से एक बड़ा इशारा है। हम पहाड़ों को काटकर सुरंग तो बना रहे हैं, लेकिन उसी सुरंग में फंसने के बाद हालात क्या होते हैं उसकी कहानी ये तस्वीर बयां कर रही है। दर्जनों मजदूर कई फीट गहरी सुरंग के अंदर फंसे हैं। उन्हें पाइप से खाना पानी और ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जैसे जैसे देरी हो रही है हौसला टूटता जा रहा है, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि जान जोखिम में डालकर सड़क या सुरंग बनाने की जरूरत क्या है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने पहले भी इस पर सवाल उठाए थे, तो फिर काम कैसे शुरू हो गया ये भी बताएंगे। ये कंपनी कौन सी है जिसके लिए पीएमओ तक के अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं, पर उससे पहले सुनिए पूरा मामला क्या है। जब हम और आप दिवाली मना रहे थे, 8 राज्यों के 41 मजदूर उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडल गांव के बीच बन रही सुरंग में फंसे थे। उनके आसपास मलबा गिर रहा था, पाइप से ऑक्सीजन दवा भोजन और पानी उन्हें दिया जा रहा था। डीएम साहब को जैसे ही खबर मिली छुट्टी कैंसिल करके मौके पर पहुंच गए। उत्तराखंड के सीएम ने बैठक बुलाई, अधिकारी तुरंत अपना दिमाग दौड़ाने लगे। आखिर में अमेरिका से आई मशीन से ड्रिल की कोशिश की जा रही थी ताकि उनका रेस्क्यू किया जाए, लेकिन 48 घंटे तक रेस्क्यू नहीं हुआ तो मजदूर पुलिस वाले से ही भिड़ गए। सवाल इस बात का था कि आखिर तकनीकी के इस जमाने में जब हम पहाड़ों में सुरंग खोद सकते हैं तो सुरंग से निकलने का रास्ता क्यों नहीं बना सकते। बात दिल्ली तक पहुंची तो पीएम मोदी ने वायुसेना के विमान भिजवाए। पहले नितिन गडकरी सुरंग के पास पहुंचे, फिर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को भेजा गया। इसके बाद जो पता चला उससे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सुरंग के अंदर 60 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे हैं, इसीलिए हैवी ऑगर यानी कि सुरंग वाली मशीन से पाइप डाले जा रहे हैं। एक के अंदर एक पाइप डालकर यानी कि एनडीआरएफ की टीम उसके रास्ते अंदर जाएगी और फिर मजदूरों को बाहर लाएगी। पाइप के अंदर पाइप डालकर वेल्डिंग करने में करीब 2 घंटे का वक्त लग रहा है। कई रेस्क्यू प्लान अब तक फेल हुए हैं, इसीलिए 12 दिनों के बाद भी मजदूर नहीं निकल पाए, पर अब उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर टीम पहुंच चुकी है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें तुरंत उन्हें अंदर से बाहर नहीं निकालेंगी, बल्कि पहले उनकी हालत देखेंगी। बाहर के तापमान और अंदर के तापमान में काफी अंतर है, इसीलिए उस हिसाब से उन्हें वहां पर इलाज दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही एनडीआरएफ की टीम बाहर लेकर आएगी, सीधा 41 बेड के अस्पताल में उन्हें ले जाकर भर्ती करवाया जाएगा। बाहर दर्जनों एम्बुलेंस इस काम के लिए खड़ी है। यहाँ तक कि सुरंग वाली जगह से 4 किलोमीटर दूर हेलीपैड भी बना है। हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड पर है, जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे उड़ान भरने को तैयार है। पर सवाल ये कि इतने मजदूर जो फंसे हैं क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं या कंपनी के हैं। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ये सभी मजदूर NECL यानी कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी हैं। ये सुरंग और हाईवे बनाने का काम करती हैं। भारत का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज असम में जो बना है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, वो इसी कंपनी के कर्मचारियों ने बनाया था। काजीगुंड बनिहाल और पटना का पुल भी इसी कंपनी ने बनाया, जिसकी डिटेल इनकी वेबसाइट पर दी हुई है। मतलब कंपनी काफी बड़ी है और इसे अनुभव अच्छा है, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि अनुभव की कमी की वजह से मजदूर फंसे हैं। बीते 288 घंटे यानी कि 12 दिनों से अगर सुरंग में फंसे मजदूर खुद को संभाले हुए हैं तो समझिए उन्हें ट्रेनिंग अच्छी दी गई है। वरना हम अंधेरे कमरे में अकेले रहने में भी डरते हैं, थोड़ी सी भूकंप की आहट से परेशान हो जाते हैं। वहां तो पहाड़ों के बीच में नीचे मजदूर फंसे हैं और ऊपर से ड्रिलिंग की आवाजें आ रही हैं, फिर भी वो घबरा नहीं रहे हैं। एक मजदूर ने हिम्मत दिखाते हुए अपने भाई से कहा, माँ को मत बताना कि मैं फंसा हूँ। ऐसी ही कहानी हर मजदूर की है, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई उत्तर प्रदेश, तो कोई उत्तराखंड का है। 8 अलग अलग राज्यों से आने वाले इन मजदूरों के दिल में अभी सिर्फ एक ही इच्छा है, कैसे भी करके बाहर निकलें, और जल्द ही वो बाहर आएंगे। लेकिन इस घटना से सरकार को सीख भी लेनी चाहिए। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया कि पूरे देश में बन रही 29 सुरंग का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। NHAI और दिल्ली मेट्रो के एक्सपर्ट मिलकर सभी टनल की जांच करेंगे और 7 दिन में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देंगे। अभी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 12 सुरंग बन रही हैं। पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनने से रास्ते सुगम हो जाते हैं, लेकिन सवाल है कि प्रकृति को इस कदर नुकसान पहुंचाकर हम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। उत्तरकाशी के जिस सुरंग में मजदूर फंसे हैं वो चारधाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इससे चारधाम की यात्रा आसान हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे लेकर मामला अदालत तक पहुंचा। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि इसके लिए पहाड़ों को काटे जाने और पेड़ गिराने से कई खतरे उत्पन्न होंगे, भूकंप की आशंका है, इसीलिए इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन रोक नहीं लगी, काम जारी रहा और आज परिणाम हम सबके सामने है। पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि विकास के नाम पर हम विनाश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। शहरों की सुविधाएं गांवों तक पहुंचाने के चक्कर में जो हालत पर्यावरण की हो रही है, क्या उस पर इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या इस घटना से सीख लेकर हमें अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाना चाहिए? एक पर्यावरण प्रेमी के तौर पर आपकी क्या सोच है, कमेंट कर बताएं। क्योंकि दिल्ली के प्रगति मैदान में बना सुरंग हो या फिर वैष्णो देवी जाने के रास्ते में पड़ने वाला सुरंग, हर जगह से जब हम गुजरते हैं तो इस बात का डर हमेशा होता है कि कहीं सुरंग में फंस गए तो क्या होगा। अब तक इन जगहों पर तो कोई नहीं फंसा, पर सुरंग बनाते बनाते मजदूर जरूर फंस गए, जिन्हें निकालने में 12 दिन का वक्त भी कम पड़ गया।